So finally we have reached, and now we are going towards the bus. बाहर आना पड़ा क्योंकि छिपा पड़ना नहीं हिल रहा. सो आई एम गोना गो बैक इन और अगेन ये मैं हूँ. आई लाइक दिस कार. और ये रहा होटल. मेरा कौन से बताया भाई ने? फाइनली इन द होटल. और मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ आई कॉन्ट टेल यू. और यहाँ पे आते आते बैंड बज गई है. सो आई एम इन अबू धाबी. और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो मैं बताती हूँ. मेरे साथ जो मैडम आई है ना, वो अपने सूटकेस का पिन भूल गई है. सो नाउ शी इज़ ट्राइंग टू डू सम जुगाड़ के खुले और वो चेंज करे. तो बहुत जुगाड़ उसने किया है. एनीवेज जब तक ये जुगाड़ कर रही है, मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है फ्रेश होने की. अगर मैं फ्रेश नहीं हुई तो मैं सो जाऊँगी, और अगर मैं सो गई तो फिर मैं रात 11-12 बजे उठूँगी, और फिर वो उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है मुझे. सो इट्स बेटर. मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने सारा टाइम सो के गुजारा है और मैं अभी उठ रही हूँ जबकि 11:20 हो रहे हैं. और मैं 11:20 पे उठ के देखती हूँ मुझे क्या करना है. मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया. तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ.
अभी कुछ खा रही हूँ, भूख लग रही है, तो ये मंगवाया और उसके बाद बाहर जाना है, तो फिर आती हूँ। वैसे मैं कैसे कर रही हूँ पता है, मैं मस्कारा भूल आई हूँ, लाइनर इतना दूरा दूरा लग रहा है। सो फाइनली आई एम रेडी पूरी तरह से एंड नाउ आई एम गोना गो फॉर द पीसीआर टेस्ट। तो इसके टेस्ट नहीं, फाइनली निकल गए हैं बाहर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सो के उठी हूँ अभी, और अभी हम करवाने जा रहे हैं पीसीआर। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे अकेले अकेले सुकून। इधर जा, अब एक काम करते हैं, सारे सब बंद हो चुका है। पता नहीं कौन से बच्चे मम्मा ने साथ भेज दिए हैं, ना सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। खुद मैडम ने सो के नींद पूरी कर ली है और अब मैं लेटी थी सिर्फ सोने, लाइट्स ऑफ करके उठ गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है। और जो एक पानी का ग्लास नहीं पूछती, कह रही है कि ना मैं चाय पिलाती हूँ तुझे, उठ जा, मुझे नींद नहीं आ रही सी, मेरे लिए चाय बनाने लगी है। यार सुबह के पता है 4-5 बज रहे हैं। ऐसा होता है बेटा जब मम्मा से दूर जाओ तो फिर ऐसा भी होता है। ये मम्मा की जो परी है ना, मम्मा की परियां, वेली परियां, होता है ऐसा। अब ये मैडम मेरे लिए चाय बनाएंगी और मैं तो बस सोच रही थी ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा और मैं इसकी एडिटिंग करके इसको अपलोड कर दूं, लेकिन लगता है लंबा चलेगा। तो रात के इस पहर में मुझे चिब्बे पांडे ने बना के दी है चाय, और मेरी चाय और हमारे कपकेक, वो ब्लैक कॉफ़ी पिएगी और ब्लैक कॉफ़ी पी पी के देखो रंग निकल रहा है उसका। मतलब ये वाला व्लॉग मैं इस चाय के साथ यहीं एंड करने वाली हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि सुबह उठ के दो चीज़ों में से एक चीज़ डिसाइड करनी है, स्विमिंग और जिम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे टेस्ट करवाने भी जाना है, फिर होपफुली आई विल गो टूवर्ड्स दुबई। फिर सब इधर नहीं बता रही ना, दोबारा से आती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।